अस्सलाम वालेकुम फोर्थ क्लास। आज हम जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं मैथ्स का, उसका नाम है फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस का मतलब होता है हिस्से, ठीक है। इसको बेहतर समझने के लिए आपको मैं छोटी सी एग्जांपल दूंगी। आपके जब भी पेपर्स में या टेस्ट में नंबर आते हैं तो आपको 10 में से किसी को 8 मिलता है, किसी को 10 में से 6 नंबर आते हैं, इस तरह से नंबर आते हैं ना। तो ये जो इस अंदाज में नंबर्स लिखे जाते हैं तो बोलते हैं फ्रैक्शन। 8/10, 6/10, ये जो आपको टेस्ट में नंबर मिलते हैं ये फ्रैक्शंस की शक्ल में मिलते हैं। वैसे मैं पहले नाम बता देती हूँ। जो ऊपर वाली रकम होती है, जो इस लाइन के ऊपर लिखी हुई होती है, उसको कहते हैं न्यूमरेटर। NUMEMERATOR, न्यूमरेटर। और जो रकम नीचे लिखी जाती है उसे कहते हैं डिनोमिनेटर। DENONOMIME, डीनोमी NATOR, डीनोमिनेटर। इसे तोड़ तोड़ के आपने स्पेलिंग्स भी याद करनी है और इसका नाम भी सही तरह से पढ़ा जाएगा जब आप इसको तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे तो। ठीक हो गया। तो ऊपर वाली रकम जब भी फ्रैक्शन में जो लिखी होती है उसको कहते हैं न्यूमरेटर, और जो नीचे वाली रकम होती है उसको कहते हैं डिनोमिनेटर। इसमें 6 जो है वो न्यूमरेटर हो गया और 10 जो हो गया वो डिनोमिनेटर हो गया। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये था कि टोटल ये 10 मार्क्स थे और आपने कितने लिए इसमें से? 8, ठीक है। ये हिस्से बनते हैं, ठीक है। इसी तरह से 10 मार्क्स से टोटल किसी बच्चे ने उसमें से 6 लिए हो तो 6/10 उसको लिख देते हैं, ठीक है। ये चीज जो है फ्रैक्शंस है, किसी को बांटने के लिए चीज ना इस्तेमाल भी किए जा सकते हैं कि 10 में से 2 हिस्से इस्तेमाल हो गए, आप कितने बचे? तो 10 में से 2 इस्तेमाल के बाकी 8 बचे ना, तो हम कहेंगे 8/10, यूं भी हम कह सकते हैं, ठीक है। तो ये फ्रैक्शंस होती है हमेशा इस तरह से लिखी हुई होती है, ऊपर नीचे दो नंबर्स करके बीच में लाइन होती है, ठीक है। अगर हम शक्ल देखें तो ये कोई लंबी सी चीज है, कोई टॉफी कर लें, चॉकलेट कर लें, ठीक है ना। तो उसके हम 5 हिस्से किए गए, ठीक है। 5 हिस्से किए गए जिसमें से 2 हिस्से इस्तेमाल हो गए, ये 2 हिस्सों का कुछ आपने इस्तेमाल कर लिया, 3 हिस्से बच गए। तो ये जो इस्तेमाल हुए हुए हिस्से हैं वो कितने हैं? 2/5। ये फ्रैक्शन की एग्जाम्पल है। इसी तरह से ये चकोर सी कोई चीज है, कोई टॉफी या कोई भी चीज कर लें, रबर है, चलो बड़ी सी एक रबर है, उसको आपने 4 हिस्सों में तकसीम कर लिया, ठीक है। तो 3 हिस्से जो हो गए वो इस्तेमाल हो गए, बंट गए, एक हिस्सा फालतू था वो अपने अलमारी में रख दिया, कुछ ऐसा की एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है ना। तो जो इस हिस्से इस्तेमाल हुए रबर के वो कितने थे? 3/4। इस तरह से छोटी सी एग्जाम्पल हो गई, आगे हम देख लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे उन्होंने एक छोटी सी एक एक्सरसाइज दी हुई है, उसमें वो कह रहे हैं कि आप ना बताएं कि ये जो फ्रैक्शंस लिखी हुई है, पहले बॉक्स में कॉलम में फ्रैक्शंस लिखी हुई है, 1/2, 1/3, 5/6, 7/8, 9/11, ये सारी पांचों फ्रैक्शंस लिखी हुई है। अब वो कह रहे हैं इनमें से न्यूमरेटर कौन सा है और डिनोमिनेटर कौन सा है। जरा न्यूमरेटर ऊपर वाला होता है ना, तो ये हो गया 1, न्यूमरेटर हो गया, और 2 जो है वो डिनोमिनेटर हो गया। अगली वाली में देख लेते हैं, 1 ऊपर है तो वो न्यूमरेटर है, 3 नीचे है तो डिनोमिनेटर है, 5 ऊपर है फ्रैक्शन के इसलिए वो न्यूमरेटर हो गया, और 6 नीचे है तो वो डिनोमिनेटर हो गया। 7/8 एक फ्रैक्शन है जिसमें 7 न्यूमरेटर है और 8 डिनोमिनेटर है। 9/11 एक फ्रैक्शन है जिसमें 9 न्यूमरेटर है और 11 क्या है? डिनोमिनेटर हो गया, ठीक हो गया। इस तरह से ये छोटी सी एक्सरसाइज हो गई हमारी। आगे वो कह रहे हैं फ्रैक्शन के नाम, कुछ फ्रैक्शन अगर आप इकट्ठे आपके पास आ जाएं, बहुत सारी फ्रैक्शंस, अगर उन फ्रैक्शंस का न्यूमरेटर चेंज हो और डिनोमिनेटर जो है वो सेम हो, यानी कि इन सब फ्रैक्शंस में 5 फ्रैक्शंस थी, 8/3, 7/3, 5/3, 1/3 एंड 2/3। अगर इन सब फ्रैक्शंस में नीचे वाला डिनोमिनेटर सेम होगा तो उनको हम कहेंगे लाइक फ्रैक्शंस, एक जैसी फ्रैक्शंस, ठीक है ना। ये होती है लाइक फ्रैक्शंस, ठीक है। अनलाइक फ्रैक्शंस वो होती है जिसमें ऊपर वाले नंबर तो वैसे ही चेंज होने होते हैं, न्यूमरेटर तो वैसे ही भी चेंज है सबका, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इसमें अनलाइक फ्रैक्शन क्यों है? क्योंकि इसका डिनोमिनेटर जो है वो चेंज है, ठीक है। 1/4 में नीचे 4 है, 2/5 में नीचे 5 है, 3/7 में नीचे 7 है, यानी कि यहाँ पे डिनोमिनेटर्स क्या है? 4, 5 और 7। तो इसलिए इससे ये दो नाम आप लोगों ने बस यहाँ पे याद करने, लाइक फ्रैक्शंस, अनलाइक फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस जरा जमा का सीगा आ रहा है ना, तो बहुत सारी फ्रैक्शंस है आपके पास,
अगर उनका डिनोमिनेटर सेम होगा तो वो लाइक फ्रैक्शंस होंगी, अगर उनका डिनोमिनेटर एक जैसा नहीं होगा तो वो अनलाइक फ्रैक्शंस होंगी। ठीक है, ये वैसे फ्रैक्शंस इकट्ठी बहुत सारी हुई तो उन्होंने बताया था। अब वो कह रहे हैं कि फ्रैक्शंस की टाइप्स क्या होती हैं, किस में कौन कौन सी होती हैं। उसमें उन्होंने हमें दो तीन बातें बताई हैं। पहले वो कह रहे हैं यूनिट फ्रैक्शन, यूनिट का मतलब होता है वन, एक, इकाई। ठीक है ना, हमने पढ़ा हुआ है इफ द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज वन, अगर न्यूमरेटर वन होगा, यूनिट होगा, तो इट इज कॉल्ड अ यूनिट फ्रैक्शन, तो उसे यूनिट फ्रैक्शन कहेंगे। जब भी न्यूमरेटर किसी भी फ्रैक्शन का वन होगा तो उसे यूनिट फ्रैक्शन कहते हैं। और ये यूनिट फ्रैक्शन की एग्जाम्पल है 1/2, 1/7, 1/8। ठीक हो गया। दूसरी चीज वो बता रहे हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन उसे कहते हैं अ फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर्स आर ग्रेटर और इक्वल और ग्रेटर देन देयर डिनोमिनेटर्स। वो फ्रैक्शंस जिनके न्यूमरेटर्स बड़े हों डिनोमिनेटर से या बराबर हों। देखो 3/3 बराबर है ना, यहाँ पे इसमें 2/2 बराबर है और 3/2 बड़ा है। ठीक है, नीचे वाली फ्रैक्शंस में 3/3 बराबर है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों बराबर हैं। 4/3 और 5/3 में क्या है कि न्यूमरेटर बड़े हैं, डिनोमिनेटर छोटे हैं। ऐसी फ्रैक्शंस को हम कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। दो फ्रैक्शंस हमने पढ़ ली, पहली फ्रैक्शन थी यूनिट फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर हमेशा वन हो। जिस भी फ्रैक्शन में न्यूमरेटर वन होगा उसको हम यूनिट फ्रैक्शन बोलेंगे। जिस भी फ्रैक्शन में न्यूमरेटर बड़ा होगा या बराबर होगा उसको हम बोलेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये हमने दो टाइप्स पढ़ ली। तीसरी टाइप है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है, ये तीसरी टाइप है। ठीक है ना, प्रॉपर फ्रैक्शन होती है फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर आर स्मॉलर देन देयर डिनोमिनेटर। जिन जो नॉर्मल जैसी फ्रैक्शंस होती है ना, कि जिनके न्यूमरेटर्स छोटे होते हैं और डिनोमिनेटर्स बड़े होते हैं। ये हम ज्यादातर जो हम प्लस माइनस और आगे पीछे जो रकमें इस्तेमाल करते हैं या अपनी डेली लाइफ में जो चीजों जो फ्रैक्शन की जो शक्ल इस्तेमाल करते हैं वो ज्यादातर प्रॉपर फ्रैक्शन ही होती है। ठीक है, दोबारा से बताती हूँ इसमें क्या होता है। तो ऊपर वाली रकम या न्यूमिनेटर जो होता है वो छोटा होता है, डिनोमिनेटर बड़ा होता है। तीन हमने पढ़े थे, पहले यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन में ऊपर वन होता है, नीचे कुछ भी हो सकता है। ठीक है, न्यूमिनेटर हमेशा वन होता है। दूसरी फ्रैक्शन हमने पढ़ी थी इम्प्रॉपर। ठीक है ना, PROPER प्रॉपर। ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या था, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ऊपर वाला न्यूमिनेटर बड़ा होता है, नीचे वाला डिनोमिनेटर छोटा होता है, या दोनों बराबर भी हो सकते हैं। ठीक हो गया। और तीसरी हमने ये वाली पढ़ ली प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन होती है जो सही तरतीब में होती है, ऊपर वाला न्यूमिनेटर छोटा होता है, नीचे वाला बड़ा होता है। अब वो कह रहे हैं कि जो हमने एग्जाम एक्सरसाइज नंबर 2 में वो कह रहे हैं कि ये उन्होंने दिए हुए कुछ दिए हुए क्या नाम है इसका, दो दो करके फ्रैक्शंस दी हुई है। उन्होंने कहा है कि इसमें लिखें कि ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, इम्प्रॉपर होगी तो आपने आई लिखना है, प्रॉपर होगी तो आप लोगों ने पी लिख देना है, और यूनिट फ्रैक्शन होगी तो यूनिट लिख देना है। ठीक है, नंबर वन है तो 4/7, 4 जो है छोटा है, 7 बड़ा है, तो ये तो प्रॉपर फ्रैक्शन हो गई। 9 जो है न्यूमिनेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है, तो ये उल्टी है फ्रैक्शन, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में 6/4, फिर दोबारा 6 बड़ा है तो हम यहाँ पे आई लिख देंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है ये। 3/5 में 3 क्या है, छोटा है, 5 बड़ा है, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, 11/12 प्रॉपर हो गया, 13/12 इम्प्रॉपर हो गया। क्यों, 13 जो है वो बड़ा है और 12 छोटा है। 21/22, 21 जो है वो छोटा है तो ये प्रॉपर है। 22/19 ये इम्प्रॉपर है, क्यों, क्योंकि 22 बड़ा है, 19 छोटा है। 1/7, 1 अगर ऊपर आ जाए तो ये यूनिट फ्रैक्शन होती है, ये यूनिट लिख देंगे इसकी जगह। 33/29 में हम क्या करेंगे, 33 बड़ा है, 29 छोटा है, तो हम इम्प्रॉपर के लिए आई लिख देंगे। फिर 21/27 में ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, 36/9 फिर ये 36 बड़ा है, तो ये इम्प्रॉपर है। ठीक है, इसी तरह से ये सारे सवाल आप लोगों ने करने, प्रॉपर और इम्प्रॉपर सिर्फ लिखना है आप लोगों ने। ये सवाल आप खुद करेंगे तो आपको बेहतर तौर पर आप कर सकेंगे, और आपने फिर करके शेयर करने या चेक कराने के लिए स्कूल भेज दें। ठीक हो क्या। अब वो कह रहे हैं कि एक और फ्रैक्शन होती है, अगर उसको कहते हैं मिक्स फ्रैक्शन। उसमें क्या होता है
कि आपके पास एक नंबर लिखा हुआ होता है और साथ में क्या नाम है उसका, एक फ्रैक्शन भी होती है। ये बनती कैसे, मिक्स फ्रैक्शन जो है वो आती कैसे, जब भी हम कन्वर्ट करते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को, पूरा पूरा हल करते हैं, तो जो हमारे पास, क्योंकि जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम डिवाइड करते हैं, कैसे, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं 13/5 की, तो इसमें क्या है कि 13 बड़ा है, 5 छोटा है। ऐसी फ्रैक्शन को जब हम हर कन्वर्ट करते हैं या इसको जब सॉल्व करते हैं, क्योंकि ये डिवाइड ही हो रहा है ना, 13/5 का क्या मतलब है कि 5 डिवाइड कर रहा है 13 को, या 13 डिवाइड हो रहा है 5 से, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जब हम इसको डिवाइड करते हैं, जाहिर सी बात है जो डिवाइड कर रहा होता है उसको बाहर लिखते हैं, जो ऊपर वाला होता है वो डिवाइड हो रहा होता है उसको अंदर लिखते हैं। डिवाइड करते हैं 5 2 10, 10 लिखा और 3 बच गया, जो 3 बच गया, तो जब हम इसको लिखेंगे फ्रैक्शन की शक्ल में तो क्या बन जाएगा, जो डिनोमिनेटर होता है वो सेम रहता है, डिनोमिनेटर की जगह डिनोमिनेटर ही आ जाता है जिससे सॉल्व हुआ है, जो आंसर में जो नंबर आ रहा था वो यहाँ पे हम अलग से पूरा नंबर लिख देते हैं, ठीक है ना। ये 2 जो है पूरा एक अलग पूरा नंबर हो गया, होल नंबर हो गया, रिमाइंडर जो बचा था ये 3 बचा हुआ है, ठीक है ना। ये यहाँ हम ऊपर न्यूमिनेटर की जगह पे लिख लेते हैं। अब ये जो आंसर आया है इसे हम लेंगे 2 होल नंबर 3/5। 3/5 का मतलब ये होल नंबर, ये पूरा एक नंबर है, 2 अलग पूरा नंबर हो गया, 3/5 आगे उसका हिस्सा हो गया, ये फ्रैक्शन की शक्ल में हमने इसको लिख दिया, ठीक है ना। मैं दोबारा बता देती हूँ, इसको ऐसे पढ़ते हैं 2 होल नंबर 3/5 या 3/5, ठीक है। और मैं ये दोबारा ये भी बता देती हूँ आपको कि किसको कहाँ पे लिखते हैं। जो डिनोमिनेटर होता है, यहाँ 5 डिनोमिनेटर था ना, तो यहाँ पे भी 5 डिनोमिनेटर ही रहेगा, ठीक है। जिससे डिवाइड करके आंसर जो आता है, डिवाइड करके जो आंसर आया है वो अलग से आ जाता है, वो होल नंबर होता है, और रिमाइंडर जो होता है यहाँ पे ऊपर न्यूमरेटर की जगह चला जाता है, डिनोमिनेटर अपनी जगह नहीं चेंज करता, जो नंबर पहले भी डिनोमिनेटर था वो बाद में भी डिनोमिनेटर ही होता है, ठीक हो गया। जो आंसर आया हुआ होता है वो होल नंबर बन जाता है, पूरा जो अलग नंबर हमने शुरू में लिखना होता है, तो इसका आंसर हम यूं करके लिखते हैं, ठीक है। अब इन्होंने अगली एग्जाम्पल दी हुई है, कन्वर्ट 253/17 इनटू अ मिक्स फ्रैक्शन, इसको कन्वर्ट करके मिक्स फ्रैक्शन में आंसर लाएं, ठीक है। इसको क्या करेंगे, 253 जाहिर सी बात है हमने अंदर लिखना, क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है, ठीक है ना, इसको अंदर लिख दिया, जो डिवाइड कर रहा है वो नीचे वाला नंबर डिवाइड कर रहा होता है, तो 17 बाहर लिख दिया, 17 1 आर 17 माइनस किया तो 8 बचा, फिर हमने 3 भी नीचे उतार दिया तो ये बन गया 83। जब हम 17 का टेबल पढ़ेंगे तो 17 का टेबल तो नहीं पढ़ सकते, हमें रफ वर्क ही करना पड़ेगा। अब 17 का टेबल हम इस तरह से कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर करके इसको करके देख लेते हैं, 17 2 आर 7 2 आर 14, 1 कैरी गया, 2 1 आर 2 और 1 3 34। 34 बहुत छोटा है, 83 भी बहुत बड़ा है, तो हम ऐसा कर लेते हैं, एक दो नंबर छोड़ देते हैं बीच में से, 2 को छोड़ के 3 4 छोड़ देते हैं, 17 5 आर करके देख लेते हैं, 7 5 आर 35, 3 कैरी किया, 5 1 आर 5 6 7 8, 85। 85 तो बड़ा हो गया, इसका मतलब हमें 4 से करना पड़ेगा, 17 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 7 आर 28, 8 2 लिखा और 4 1 आर 4 5 6 68, ठीक है। तो हमने 4 यहाँ लिख दिया, 68 यहाँ लिख दिया, तो अब हमने माइनस किया तो ये माइनस नहीं हो रहा था, 8 छोटा था, हम इसको क्या करेंगे कि हम इसको कैरी कर लेंगे, 8 से 1 यहाँ कैरी गया, ये 13 बन गया, और यहाँ से 8 के बजाय अब ये क्या बन गया, 7, ठीक है। तो 13 में से 8 निकाला 5, 7 में से 6 निकाला 1, तो ये रिमाइंडर हो गया, ठीक है। इसको थोड़ा सा साफ कर लेते, ये रिमाइंडर बच गया आपके पास, ये रिमाइंडर है, ये आपका आंसर है, और इसने डिवाइड किया है, तो जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो डिनोमिनेटर की जगह डिनोमिनेटर चला जाएगा, आंसर यहाँ पे अलग से आ जाएगा, और जो रिमाइंडर होता है वो ऊपर चला जाता है न्यूमिनेटर की जगह पे। तो अब इसको हम ये कर लेते हैं, कोई एक एक्सरसाइज भी कर लेते हैं आगे से, एक्सरसाइज नंबर 3। एक्सरसाइज नंबर 3 में क्या आ रहा है, चेंज द फॉलोइंग इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस टू मिक्स फ्रैक्शंस बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। सिंपल डिवीजन की तरह हमने अभी जैसे किया वैसे ये सवाल करने हैं, तो ये पहला सवाल कर लेती हूँ मैं, 19/7,
जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 19 अंदर चला जाएगा, 7 बाहर आ जाएगा, तो 7 वन आर 7, 7 टू आर 14, 7 थ्री आर 21, 3 से बड़ा हो रहा है, 7 टू आर 14, ठीक हो गया ना। तो जब माइनस किया 9 में से 4 माइनस किया तो 5, 5 रिमाइंडर है। तो जब इसका आंसर लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर की जगह कोई चीज चेंज नहीं होती, 7 का 7 ही रहेगा, ठीक है। जो कोशेंट है वो अलग से होल नंबर हो जाता है, ठीक है, जो आंसर होता है, और 5 जो रिमाइंडर होता है वो न्यूमिनेटर बन जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 होल नंबर 5/7, ठीक हो गया। इसी तरह से एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, 8 कर लेते हैं। 256 डिवाइडेड बाय 12, ये क्वेश्चन है, ठीक है। हम क्या करेंगे, 12 बाहर लिखेंगे, 256 अंदर लिख लेंगे, इसको डिवाइड करना है। तो 12 वन आर 12, 12 टू आर 24, ठीक है ना। 1 यहाँ चला गया, 6 यहाँ चला गया, फिर 12 वन आर 12, क्योंकि 12 टू आर 24 होते, फिर वो 16 से बड़ा हो जाएगा, ठीक है। फिर 6 में से 4 2 निकला तो 4 रिमाइंडर बच गया, 1 में से 1 निकला 0, ये और हल नहीं हो सकता। तो यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है 21 है, इसका आंसर कैसे लिखेंगे हम लोग, जो डिनोमिनेटर था वो डिनोमिनेटर ही रहेगा, 12 डिनोमिनेटर ही रहेगा। अच्छा, उसके बाद हम क्या करेंगे, जो कोशेंट है 21 के, उसको हम यहाँ अलग से लिख देंगे, और जो रिमाइंडर है वो उसका न्यूमिरेटर बन जाएगा, ठीक है। इसको मैं एक लाइन भी लगा देती हूँ, मिक्स हो रहा है, ये आंसर हो गया हमारा। 21 जो है वो क्या था, कोशेंट था, वो अलग से पूरा नंबर आ गया, 21 होल नंबर, और 4 रिमाइंडर था तो वो न्यूमिरेटर बन गया, 4/12, ठीक है ना। इसका आंसर क्या आया, 21 होल नंबर 4/12, ये इसका आंसर आ गया, ठीक हो गया। इस तरह से आपने कोशिश करनी है कि ये सवाल करें, ये इजी सवाल है और ये इतने मुश्किल नहीं है, ठीक है। ये मिक्स फ्रैक्शन आपको दी हुई होती है तो इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अभी हमने क्या किया था, इम्प्रॉपर में हमें दिया हुआ था, ठीक है ना, और हमने इसको कन्वर्ट किया था मिक्स फ्रैक्शन में। मिक्स फ्रैक्शन वो होती है जिसमें एक होल नंबर होता है और एक छोटी सी फ्रैक्शन भी होती है साथ, ठीक है ना। अब उल्टा है, ये आपको मिक्स फ्रैक्शन दी हुई है, आपने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में इसको चेंज करना है। तो इसमें शॉर्टकट वाला मेथड ही हम कर लेते हैं। उसमें ये करना होता है कि यहाँ पे मैं थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ, फिर नंबर्स आपको अच्छे नजर आएंगे। इसको चेंज करना है, हम क्या करेंगे कि 9 को हमने यहाँ पे 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 9 वन आर 9, ठीक है ना। और 9 में फिर हम क्या करेंगे, ये नंबर जो ऊपर होता है न्यूमरेटर को प्लस कर देते हैं, क्या हो जाएगा, 9 प्लस 7 16, ठीक है। आंसर जब लिखेंगे तो न्यूमरेटर चेंज नहीं होता, ठीक है ना। मिक्स से इम्प्रॉपर में किया तो भी डिनोमिनेटर वही रहेगा, जब इम्प्रॉपर से मिक्स करेंगे तो भी डिनोमिनेटर वही रहेगा, वो चेंज नहीं होता, ठीक हो गया। तो यहाँ पे 16/9 हो जाएगा, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया है, इन्होंने भी आपको करके दिखाया है, अगर ये चीज आपके जहन में बैठती है तो आप इस तरह से कर लें। ये देखिए इन्होंने कैसे किया है, उन्होंने ये किया कि आपको ये लिख के पूरा स्टेप करके बताया है कि आप 9 की जगह 9 डिनोमिनेटर आ गया, ठीक है ना। और आपने क्या किया कि 9 1 को 9 से मल्टीप्लाई किया, इस डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया और ये लिख लिया, और जो भी आंसर आएगा उसमें 7 प्लस करना है। तो 1 9 को मल्टीप्लाई किया एक स्टेप में तो 9 ही आ गया, फिर अगले स्टेप में 9 और 7 को मल्टीप्लाई किया तो 16 ही आ गया, तो ये 16/9 आंसर आ गया। ये स्टेप बाय स्टेप भी कर लें, अगर स्टेप बाय स्टेप आपको याद होता है, और अगर आपको सिंपली दिमाग से जिस तरह से मैंने आपको बताया अभी कि आप सिंपल दिमाग में मल्टीप्लाई कर लें कि इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आएगा उसमें ये नंबर प्लस कर देना है, तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। ये आपने नीचे उन्होंने एक्सरसाइज भी दी है, इस एक्सरसाइज में उन्होंने क्वेश्चंस दिए हुए जिनको हमने कन्वर्ट करना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, और किस शक्ल में दिए हुए हमें, वो मिक्स शक्ल में दिए हुए। अगर इन दोनों को हम करेंगे मल्टीप्लाई, 3 3 आर 9, 9 आ गया ना, 9 में हमने 1 प्लस करना है तो क्या आ जाएगा, 10, तो ये आंसर बन जाएगा 10/3, डिनोमिनेटर 3 यहाँ था, डिनोमिनेटर 3 यहाँ था, डिनोमिनेटर नहीं चेंज होता। अगला सवाल कर लेते हैं, 4 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से तो क्या बन गया, 12, ठीक है। 12 में 1 प्लस किया तो 13, तो ये हो जाएगा 13 ओवर
फोर, न्यूमिनेटर चेंज होके वो जोड़ के बड़ी रकम बन गई है, डिनोमिनेटर वही रहा फोर का फोर। इस तरह से अगर कुछ नंबर्स भी देख लें, नाइन तो चेंज नहीं होगा, नाइन हम पहले से नीचे लिख लेते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर चेंज नहीं होता। नाइन को फोर से मल्टीप्लाई किया तो 36, 36 में 5 प्लस किया 37, 38, 39, 40, 41, तो ये आंसर आ गया 41/9। ठीक है, एक और कर लेते हैं, 3 × 6, 6 × 3 = 18, ठीक है ना, 18 में 2 प्लस किया 20, 20/3 आंसर आ गया। ठीक है, और 7 × 9 = 63, 63 में 2 प्लस किया तो 65, 65/7। ठीक है, इस तरह से ये सवाल करने हैं, 5 मैंने करवा दिए, 5 आप लोगों ने इसको देख के समझ के खुद से करने हैं, आसान है। और अगर हो सके तो ये कॉपी भी यकीनन आप सारे सवाल करेंगे, और अपनी कॉपीज आप लोगों ने स्कूल भिजवा देनी है, हम लोगों ने आपको चेक करके वापस भेज देंगे इंशाल्लाह। तो अपना ख्याल रखिएगा और कोशिश कीजिएगा, थोड़ी थोड़ी हेल्प ले लें, वीडियो वापस देख लें, एग्जाम्पल्स देख लें, लेकिन काम खुद करें। ठीक है, चलें, फी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज।